कल शाम को रामपुरा निवासी 20 वर्षीय युवती पूजा पिता मांगीलाल चैना जी वही की मृत्यु हो गई। मामले में एक बार फिर बदतर चिकित्सा व्यवस्था जिम्मेदार बनी। परिवारजनों का कहना है कि दो झोलाछाप द्वारा अनाड़ी इलाज और डॉक्टर सुरेंद्र पटेल की अनदेखी में 20 वर्षीय पूजा की जान गई। मामले को लेकर आज पूजा के परिजनों और समाजजनों ने जमकर आक्रोश व्यक्त किया। पहले ना मेरी बहन का सिर पर जी घबरा रहा था, तो मम्मी ने ना गोली ला के दी तो वो एक बार डॉक्टर से, तो उन्होंने ना जे जी घबराते बंद हो गया उसका, और मनासे वाले डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने कुछ भी देखा, डायरेक्ट बाटल चढ़ा के चले गए। डायरेक्ट बाटल चढ़ते चढ़ते आधी बाटल हुई, और आधी बाटल होने के बाद वो बेहोश हो गई, और फिर सरकारी हॉस्पिटल ले गए तो पटेल डॉक्टर ने बोला कि ले जाओ घर, धड़कने चलते समय भी उसने बोला आगे ले जाने की नहीं बोला उसने। ये सरकारी हॉस्पिटल के द्वारा जितनी भी जाँच हो ना करी जाए, बोले नीमच वो पलका भी करो, बोले कुछ भी हो मेरी बहन को कुछ भी हो इंसाफ मिलना चाहिए। सरकारी अस्पताल बोली बंद करवा दो, उसकी जगह फिरावट खोलाओ कि उसे क्यों देखा, उसे हटाओ उसको। अच्छा, जब सरकारी अस्पताल गए तब तुम्हारी सिस्टर जिंदा थी? हाँ थी, वो धड़कन चल रही थी, उसके समेत भी उसने बोला कि घर ले जाओ, घर ले जाने के बाद उसने उल्टी क्यों की वे कि वो जिंदा नहीं होगी, तो गई थी उसने डायरेक्ट लगाई मनासे वाले ने, वो अतीक खान ने। अतीक खान? हाँ, रामपुरा में जो हॉस्पिटल खोल रखा है नगरबाग में। इसके अलावा किसी डॉक्टर को दिखाया था? नहीं दिखाया था, सिर्फ वो गोली ला के दी थी तो उसका जी घबराना बंद हो गया था, सिर्फ हाथ पैर दर्द हो रहे थे जी घबराना। हाँ, ये कल घटना हुई है, एक लड़की है पूजा पिता मांगीलाल भोई, इसकी उम्र करीब 19 साल है। कल इनके परिवार के नाम उन्होंने बताया कि कल इसको उसकी तबीयत खराब हुई थी, इसको बुखार वगैरह आया था शाम को, तो वहीं के पास में जो डॉक्टर है टीम प्रधान भी डॉक्टर है उसको उन्होंने बुलाया था इलाज के लिए। जब उसने ट्रीटमेंट किया तो उनका कहना है कि उससे तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई, और उसके बाद उसको मानसा ले गए इलाज के लिए, वहाँ उसकी डेथ हो गई। और परिजनों का ये आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज ठीक से नहीं किया या गलत इलाज किया, जो भी ये जांच का विषय है, मगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इलाज ठीक नहीं हुआ इस वजह से इसकी डेथ हुई। हमने इस मामले में मन कायम कर लिया, हम जाँच कर रहे हैं इसको, और जाँच पर यदि कोई दोषी पाया गया डॉक्टर के खिलाफ कोई एविडेंस आया।